हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविल बॉडी पर। मैं मुकेश खत्री आज आपके लिए लेके आया हूँ ब्रिज इंजीनियरिंग, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज एंटायर सिलेबस ऑफ द ब्रिज इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन से कोड काम में लेने होते हैं और कौन कौन से कोड जो होते हैं वो हमें उनका डेटा जो है वो हमें ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिज इंजीनियरिंग के कोड्स की। तो सबसे पहले बात करूंगा जो हमारा IRC इंडियन रोड कांग्रेस का जो कोड नंबर 5 है वो किस लिए है। ये हमारा कोड है प्रैक्टिस फॉर स्पेसिफिकेशंस ऑफ ब्रिज। जो हमारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं ब्रिज के उसके बारे में बताता है हमारा IRC 5। तो आपको ध्यान रखना है कि IRC 5 किस लिए होता है। ओके, फिर बात करते हैं हम IRC 6 की। IRC 6 2010 ये हमारा होता है ब्रिज के लोड्स एंड स्ट्रेसेस का। ओके, और ये हमारा जो कोड होता है वो होता है लिमिट स्टेट मेथड में। ओके, अगर हम बात करें वर्किंग स्टेट मेथड की तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा कोड होता है, ये हमारा ओल्ड कोड है वो है IRC 6 2000। ये हमारा वर्किंग स्टेट मेथड में होता है। तो अभी हमारा चल रहा है लिमिट स्टेट मेथड के अंदर, वो है हमारा IRC 6 2010। फिर हमारा आता है IRC 7, ये हमारा कोड होता है कोड फॉर नंबरिंग ऑफ ब्रिज एंड कलवर्ट्स। ओके, कलवर्ट्स क्या होते हैं, हम ब्रिज क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। कलवर्ट्स को कैसे डिफाइन करेंगे और ब्रिज को कैसे डिफाइन करेंगे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फिर हमारा आता है IRC 21। तो IRC 21 हमारा रहता है कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट, ये हमारा लिमिट स्टेट मेथड में रहता है। फिर आता है IRC 22 फॉर कंपोजिट स्ट्रक्चर्स एंड IRC 78 फॉर फाउंडेशन डिजाइन ऑफ द ब्रिज एंड एज वेल एज जो हमारा ये नेक्स्ट हमारा IRC जो है वो 83 कोड फॉर बियरिंग्स ऑफ ब्रिज। तो हमारे कौन कौन से बियरिंग्स होते हैं ब्रिज के उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रोकर ब्रिज वगैरह होते हैं, बियरिंग्स होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है हमारी ब्रिज की। तो ब्रिज क्या होता है, ब्रिज इज एन अरेंजमेंट मेड टू क्रॉस एंड ऑब्स्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ ए लो ग्राउंड और ए स्ट्रीम और ए रिवर और ए गैप विदाउट क्लोजिंग द वे बीनीथ। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई ऐसी ऑब्स्टेकल आ गई जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते तो इसे क्रॉस करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसे हम ब्रिज बोलते हैं। क्लियर, एंड रिक्वायर्ड फॉर द पासेज ऑफ रेलवेज, रोडवेज, फुटपाथ एंड इवन फॉर कैरिज ऑफ फ्लूइड्स। हम इस पे जो है रोडवेज, रेलवेज एंड फ्लूइड को कैरीज भी कर सकते हैं कि हमारा ब्रिज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज। ये हमें ध्यान में रखना होता है कि ब्रिज में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या पर्टिकुलर वर्क होता है। ओके, ये हमें यहाँ पे अच्छे से समझना होगा ताकि हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे, जितने भी नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रिज में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर, तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम बात करूंगा अबटमेंट की। अबटमेंट क्या होता है, जो ब्रिज है इस ब्रिज का सबसे एंड सपोर्ट होता है जो बैकफिल को रिटेन करता है। ओके, जो हम ये हम आप देख रहे होंगे यहां पर, ये हमारा क्या है, एक अबटमेंट है। ओके, और अबटमेंट के दोनों तरफ विंग वॉल्स लगी होती है, ये हमारी विंग वॉल है। वो विंग वॉल के क्या क्या टाइप से हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अबटमेंट के जस्ट आगे की तरफ यहां पर सेंटर में जो हमारे इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पियर्स। ये जो आप देख रहे होंगे यहां पर, ये सारे क्या है, एक ये पियर है, इसके आगे भी कंटिन्यूएशन में पियर हो सकता है। क्लियर, और ये हमारे पास में इस अबटमेंट के पीछे बैकफिल होगा जिसका अर्थ प्रेशर आएगा अबटमेंट पे, और इस अर्थ प्रेशर को ये हमारा अबटमेंट क्या करेगा, रिटेन करेगा। ठीक है, और ये हमारी अप्रोच स्लैब है। इस सब के बारे में आगे पढ़ते हैं थ्योरी के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट ब्रिज के कंपोनेंट्स है इसको हमने अदर अलग अलग कैटेगराइज किया है। पहले बात करते हैं हम सब स्ट्रक्चर की। ये हमारे पास में सब स्ट्रक्चर, नेक्स्ट सुपर स्ट्रक्चर एंड फिर आएगा एड जॉइनिंग स्ट्रक्चर्स। ओके,
तो देखिए तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये हमारे पास में जो ब्रिज का अबटमेंट है, ओके, जो हमारा एंड सपोर्ट होता है, दिस इज द अबटमेंट ऑफ द ब्रिज, ये हमारा एंड सपोर्ट होता है, और जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पियर्स बोलते हैं, ओके, और जस्ट अबो द अबटमेंट एंड अबो द पियर हमारे पास में ये जो कंपोनेंट है इसे बोलेंगे हम अप्रोच स्लैब। अप्रोच स्लैब क्या करेगा, हमें एक वे प्रोवाइड करवाएगा फ्रॉम रोड टू द ब्रिज, ओके, और हमारे पास में ये जो स्लैब है इसे हम बोलेंगे डेक स्लैब, और ये हमारा यहाँ पर एक कर्व होता है। इन सब की डेफिनेशन हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। अब इसको आगे कैटेगराइज किया गया है सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर एंड एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स। सो सब स्ट्रक्चर, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज अप टू द लेवल ऑफ बियरिंग। तो देखिए बियरिंग क्या हमारे पास में, तो आप यहां पे देख रहे होंगे हमारे पास में जो एंड सपोर्ट जिसे हम अबटमेंट बोलते हैं, अबटमेंट के जस्ट ऊपर यहां पर आपको ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये बियरिंग है, क्लियर। तो बियरिंग के ऊपर वाला पार्ट जो हमारा होता है ये सुपर स्ट्रक्चर कहलाएगा, और बियरिंग के नीचे वाला पार्ट जो हमारा होगा वो सब स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्लियर। तो इसी तरह से कैटेगराइज किया गया है सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर्स। सो सब स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज अप टू द लेवल ऑफ बियरिंग्स, ओके, बियरिंग्स तक का जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन से जो हमारे कंपोनेंट्स है वो आते हैं, तो कंजिस्ट ऑफ पियर्स, अबटमेंट, विंग वॉल्स एंड फाउंडेशन ऑफ द पियर्स, अबटमेंट एंड विंग वॉल्स, ओके, ये सारे के सारे कंपोनेंट किसमें आते हैं, सब स्ट्रक्चर्स में आते हैं। इसी तरीके से जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर जो होते हैं हमारे बियरिंग के ऊपर वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज अबो द लेवल ऑफ बियरिंग, तो जो बियरिंग के ऊपर वाले जो हमारे सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास में ये बियरिंग है इस अबटमेंट पे और ये पियर पे बियरिंग्स है, ठीक है। तो बियरिंग से ऊपर वाले जितने भी हमारे पास में सपोर्ट्स है उसे हम बोलेंगे सुपर स्ट्रक्चर्स। तो सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे हमारा डेक स्लैब आ गया, कर्व आ गया और अप्रोच स्लैब आ गई, अप्रोच खुद आ गई, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, सुपर स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, क्लियर। अब सुपर स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट, जैसे मैंने अभी बताया बीम्स, गर्डर, आर्च, केबल, पैरापेट वॉल भी आती है हमारे पास में, और फ्लोरिंग, गार्ड स्टोन एंड हैंड रेल्स, ये सब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसको डिटेल में हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स, तो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर वो होते हैं जो किसी दो कंपोनेंट को ऐड करते हैं, मतलब जॉइंट करते हैं। तो कंपोनेंट्स लाइक अप्रोचेस, गार्ड स्टोन, बियरिंग्स, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड एप्रोन, और भी सारे होते हैं हमारे पास में जिसे हम बोलेंगे एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अबटमेंट की, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है ब्रिज का वो होता है अबटमेंट, ओके। सो दिस इज द एंड सपोर्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, दिस आर यूज टू रिटेन द अर्थ प्रेशर बिहाइंड द स्ट्रक्चर। तो हमारे पास में सबसे ये जो हमारे पास में ब्रिज है, ये ब्रिज का सबसे जो एंड सपोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं अबटमेंट, ओके। अबटमेंट क्या करता है, इसके बैकफिल जो हमारा है इसके अर्थ प्रेशर को रिटेन करता है, ओके, ये हमारे पास अबटमेंट होता है। इसके लेफ्ट और राइट में विंग्स वॉल्स होती है, ठीक है, जो क्या करती है वो भी अर्थ प्रेशर को रिटेन करती है। तो ये हमारे पास में ये है अबटमेंट,
और आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा हमारे पास में ब्रिज का डेक स्लैब है, और डेक स्लैब का जो ये हमारा जो सब एंड सपोर्ट है और इसके आगे वाले सपोर्ट जितने भी होते हैं इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट सपोर्ट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट कौन सा होगा हमारा, वो होगा पियर। ठीक है, ये हमारे पास में पियर सपोर्ट है सारे सारे, क्लियर। सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि पियर क्या होता है, तो पियर होता है हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, इट मे बी सॉलिड टाइप एंड ओपन टाइप। ये सॉलिड टाइप भी हो सकता है और ओपन टाइप भी हो सकता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है कि पियर क्या होता है ब्रिज के अंदर, तो पियर होता है हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंग वॉल्स की, कि हमारे ब्रिज के अंदर विंग वॉल्स क्या होती है। ठीक है, तो विंग वॉल जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे डायग्राम के अंदर, ये हमारे पास में एक ब्रिज का डायग्राम है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे दोनों एंड पे अबटमेंट्स है, और अबटमेंट के लेफ्ट और राइट के अंदर आप देख रहे होंगे यहां पे विंग वॉल्स है। क्लियर, तो ये जो विंग वॉल है ये तीन टाइप की होती है, और विंग वॉल क्या काम करती है, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एज एक्सटेंशन ऑफ द अबटमेंट टू रिटेन द अर्थ प्रेशर कॉल्ड विंग वॉल एंड रिटेन द अर्थ फीलिंग ऑफ द अप्रोच रोड। ठीक है, तो जो अप्रोच रोड है या फिर इसके पीछे की जो बैक फील है, जो बैक फीलिंग है उसके अर्थ फीलिंग के प्रेशर को ये क्या करती है, रिटेन करती है या फिर रेजिस्ट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं विंग वॉल्स के। एक हमारे पास में होती है स्ट्रेट विंग वॉल। क्लियर, ये जो स्ट्रेट विंग वॉल है, ये जो हमारे जो छोटे छोटे ब्रिज होते हैं, जो स्मॉल ब्रिज हम कहते हैं उसको, उसमें लगाते हैं ये, उसमें बनाते हैं स्ट्रेट विंग वॉल को, एंड ऑन ड्रेन विथ लो बैंक्स एंड फॉर रेलवे ब्रिज इन सिटीज। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे जो जितने भी विंग्स वॉल है इसके अंदर एक वी होल होता है, वो हमें देना प्रोवाइड करना करवाना होता है। तो जो हमारे पास में ये विंग वॉल्स है, इस विंग वॉल्स में आपको हमेशा ध्यान देना है कि यहां पर जो है वीप होल प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो भी एक्सेस वाटर है वो यहां से ड्रेन कर जाए, ताकि इसके बैकफिल के अंदर वाटर अवेलेबल ना रहे, तो इसके फेल होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान देना होता है कि विंग वॉल के साथ साथ में नीचे की तरफ बॉटम में हमें यहां पे वीप होल प्रोवाइड करवाने होते हैं। क्लोज कर दो ना यहां से। तो ये हमारे पास स्ट्रेट विंग वॉल थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्प्लेट विंग वॉल। तो स्प्लेट विंग वॉल क्या होती है, स्प्लेट का मतलब होता है फैलना ना। ठीक है, तो स्प्लेट विंग वॉल यूज फॉर ब्रिज अक्रॉस रिवर, दे प्रोवाइड स्मूथ एंट्री एंड एग्जिट टू द वाटर, द स्प्लेट इज यूजली 45 डिग्री, इट इज इंक्लाइंड इन प्लान। ओके, ये जो हमारी स्प्लेट विंग वॉल होती है ये 45 डिग्री पे बेंट होती है और ये इंक्लाइंड होती है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे ये हमारे पास में विंग वॉल है और ये 45 डिग्री के एंगल पे होती है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, और ये जो विंग वॉल है इसमें क्या होता है, अगर इसके नीचे से वाटरवे है या फिर पानी क्रॉस कर रहा है तो इसको इजीली एक पाथ अवेलेबल हो जाए, ताकि इजीली ये वाटर यहां से ड्रेन हो जाए। अगर ये विंग वॉल्स नहीं होगी तो हमारे वाटर को एक पाथ नहीं मिल पाएगा, एक्यूरेट पाथ नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या करती है, हमारी विंग वॉल वाटरवे को एक पाथ प्रोवाइड करवाती है। फिर आते हैं हमारे पास रिटर्न विंग वॉल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्प्लेट विंग वॉल जो होती है 45 डिग्री पर बेंट होती है, और हमारी रिटर्न विंग वॉल जो होती है वो 90 डिग्री पे जो है इसका एंगल बनता है। सो रिटर्न विंग वॉल यूज वेयर बैंक्स आर हाई एंड हार्ड और फर्म। अगर हमारे जो बैंक्स है या फिर अबटमेंट है वो अगर हाई या हार्ड और फर्म बने हुए हैं, इट इज यूजली परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू इंक्रीज स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि हमारे जो विंग वॉल्स होती है ये तीन टाइप की होती है, एक स्ट्रेट विंग वॉल, एक स्प्लेट विंग वॉल। स्प्लेट विंग में आपको एंगल ध्यान रखना है कि 45 डिग्री का होता है इसमें स्प्लेट विंग वॉल में, और जो हमारी रिटर्निंग विंग वॉल है इसके अंदर 90 डिग्री का होता है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हमारे पास में नेक्स्ट आता है अप्रोचेस। सो अप्रोचेस क्या होती है, द अप्रोचेस आर द लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन रूट एट बोथ द एंड्स ऑफ द ब्रिज। जो हमारे ब्रिज के दोनों एंड्स होते हैं, जैसे हमारे पास में एक ब्रिज है और यहां से रोड आ रही है, तो उस रोड से एक कम्युनिकेशन रूट प्रोवाइड करवाने के लिए अप्रोचेस बनाए जाते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे अप्रोचेस होते हैं इसकी लेंथ हमेशा जो है 15 मीटर से कम होनी चाहिए, मतलब शुड नॉट बी
मोर देन और इक्वल टू 15 मीटर ओके। तो हमारे अप्रोचेस होते हैं, अब बात करते हैं अप्रोचेस स्लैब। जैसा कि मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था कि अप्रोचेस या अप्रोचेस स्लैब क्या होते हैं, एक बार वापस दिखा देता हूं मैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे बीच का एंड है और एंड सपोर्ट हमारा अबटमेंट होता है। तो अबटमेंट पे देखिए आप यहां पर, जैसे यहां पर रोड लेवल है, क्लियर, यहां पर हमारा ये रोड लेवल है और जैसे रोड लेवल खत्म हुआ हमारा ब्रिज स्टार्ट हो गया। तो जहां से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है वहां पर ये ब्रिज, ये जो हमारे पास स्लैब है इसे बोलेंगे अप्रोच स्लैब, क्लियर। तो इसे बोलते हैं अप्रोच स्लैब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो अप्रोच स्लैब, जैसा कि मैंने आपको भी डायग्राम में बताया, एंड अप्रोच स्लैब इज अ ट्रांजिशन स्लैब ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट लेड ऑन इमीडिएट अप्रोचेस टू अ ब्रिज विथ वन एंड रेस्टिंग ऑन अबटमेंट ओके। तो कहां रेस्ट करती है, अबटमेंट पे रेस्ट करती है। फिर बात करते हैं एप्रोन की। ये सारे कंपोनेंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका क्या यूज होता है, इस पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर। एप्रोन, तो एप्रोन क्या होता है, देखिए एप्रोन क्या होता है, एक कंक्रीट की लेयर होती है। सो लेयर ऑफ कंक्रीट और मेजनरी स्टोन प्लेस लाइक अ फ्लोरिंग एट एंट्रेंस और आउटलेट ऑफ द ब्रिज और कलवर्ट टू प्रिवेंट स्कोर, ठीक है। जैसे हमारे पास में एक कलवर्ट है, हमें पता है कलवर्ट क्या होता है, तो कलवर्ट जैसे एक छोटा सा एक ब्रिज होता है जिसकी लेंथ 6 मीटर से कम होती है, क्लियर, जिसकी लेंथ 6 मीटर से कम होती है वो हमारा कलवर्ट होता है, जिसकी लेंथ, जिस ब्रिज की लेंथ 6 मीटर से ज्यादा होती है हमारा ब्रिज कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास में कलवर्ट है, तो कलवर्ट के दोनों एंड्स पे आप देख रहे होंगे यहां पर हमारे पास में इसे कहते हैं एप्रोन। सो एप्रोन क्या होती है, एक लेयर होती है कॉन्क्रीट की और हम मेजनरी स्टोन की भी बना सकते हैं। जैसे यहां पर ये मेजनरी स्टोन है और ये कॉन्क्रीट की लेयर है, प्लेस लाइक ए फ्लोरिंग, फ्लोरिंग की तरह इसको लगाते हैं एट द एंट्रेंस ऑफ और आउटलेट ऑफ अ ब्रिज और कलवर्ट टू प्रिवेंट द स्कोरिंग। स्कोरिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एप्रोन को यूज करते हैं, क्लियर। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो हमारे पास कॉन्क्रीट लेयर है ये हमारी होती है, ठीक है, और ये हमारे पास में जो है वो मेजनरी स्टोन की एप्रोन बनी हुई है। यहां पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, फिर आते कर्टन वॉल। कर्टन वॉल क्या होती है, दिस इज ए स्मॉल वॉल यूज एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्कोरिंग एक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो जो हमारी कलवर्ट या फिर जो ब्रिज के दोनों जो हमारे पास में एंड्स होते हैं, यहाँ ये वाले जो क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो यहाँ पे एंड्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक एप्रोन वॉल भी बनाई, ये जो कर्टन वॉल जो बनाई जाती है ये क्या होती है, थीन एंड स्मॉल वॉल यूज एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्कोरिंग एक्शन ऑफ अ स्ट्रीम। फिर हम बात करते हैं ब्रिज के इफेक्टिव स्पान की। एक होता है हमारे पास में इफेक्टिव स्पान, एक होता है क्लियर स्पान, क्लियर। तो इफेक्टिव स्पान क्या होता है कि जैसे हमारे पास में दो सपोर्ट्स है, जैसे एक, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे पास में ब्रिज होता है, ब्रिज के दोनों एंड्स पे जो होते हैं अबटमेंट होते हैं, तो अबटमेंट एंड सपोर्ट हो गए और जो हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं वो हमारे पियर्स होते हैं। क्या होते हैं, पियर्स होते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पान क्या होती है, जैसे हमारे पास में दो सपोर्ट्स है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पान, ठीक है। तो ये हमारे पास इफेक्टिव स्पान होती है, एक हमारे पास में होती है क्लियर स्पान, ठीक है। तो जो इफेक्टिव स्पान होती है वो हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, ठीक है, बिटवीन टू एडजेसेंट सपोर्ट्स, और एक क्लियर स्पान होती है, ये हमारी क्लियर डिस्टेंस होती है बिटवीन टू एडजेसेंट सपोर्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बता रखा है, ये देखिए आप, जैसे कि हमारे पास में ये पियर है जो कि हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है, ठीक है, यहां पर अबटमेंट हो सकता है या फिर जो भी हमारा एपेक्मेंट है वो,
ठीक है, जैसे हमारे पास में एक सपोर्ट यहां पर जो पियर है, सपोज एक सपोर्ट यहां पर भी हमारा पियर है, ठीक है, तो एक पियर के ऊपर देखिए यहां पर बियरिंग्स लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो बियरिंग है इसके सेंटर से दूसरे बियरिंग के सेंटर तक की डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, इफेक्टिव स्पान, ठीक है। और बात आती है अब क्लियर स्पान की, क्लियर स्पान क्या होता है, तो जैसे कि हमने इसके सपोर्ट के यहां से इस जगह से देखना स्टार्ट किया और यहां तक, ये यह हमारा क्या होता है, क्लियर स्पान होता है, क्लियर, जो कि सेंटर टू सेंटर नहीं होता। इफेक्टिव स्पान क्या होता है, सेंटर टू सेंटर होता है। ओके, सो व्हाट इज क्लियर स्पान, द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सपोर्ट इज कॉल्ड क्लियर स्पान ऑफ अ ब्रिज। ओके, नेक्स्ट बात आती है हमारी अफ्लक्स की। अफ्लक्स क्या होता है, देखिए जब हमने ब्रिज बनाकर रेडी कर लिया, ठीक है, तो जब इसके नीचे से जो रिवर निकलती है, जब हमने ब्रिज नहीं बनाया था तो ब्रिज न बनाने से पहले जो रिवर का जो लेवल था, जो हाई फ्लोड लेवल था, वो नेचुरल था। जब हमने ब्रिज बना दिया तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रेक्शन आएगा, क्योंकि बीच में पियर्स आ रहे हैं, अबटमेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रेक्शन आने के कारण उस जो यहाँ पर जो इसका ब्रिज का अप स्ट्रीम है, वहां पर जो फ्लड का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हाई होने के कारण वहां पर जो है कुछ अफ्लक्स बनते हैं, तो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज देयर इज ए कॉन्ट्रेक्शन इन वाटरवे। तो वाटरवे क्या होता है, कुछ उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, जिसके कारण उसका जो फ्लड का लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है। दिस रिजल्ट इन राइज ऑफ वाटर लेवल अबव द नॉर्मल लेवल वाइल पासिंग अंडर द ब्रिज। ओके, दिस राइज ऑफ वाटर बिटवीन नॉर्मल लेवल एंड वाटरवे लेवल इज कॉल्ड अफ्लक्स। क्लियर, सो जैसे पहले हमने ब्रिज नहीं बना रखा था, ठीक है, तब जो इसके यहां से जो रिवर निकल रही थी तो उस रिवर का जो लेवल था वो नॉर्मल था, और जब हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, अबटमेंट बना दिए, पियर्स बना दिए, तो तब रिवर का जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रक्शन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा, उस जो रिवर का जो लेवल है, जो फ्लड लेवल हम कह सकते हैं, तो फ्लड लेवल जो होता है हाई हो जाता है, ठीक है। सो तो जो अब अफ्लक्स की बात करते हैं, तो अफ्लक्स क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर एंड नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर एंड हाई फ्लड ऑफ द वाटर ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द रिवर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्री बोर्ड। तो फ्री बोर्ड क्या होता है हमारे पास में, तो फ्री बोर्ड क्या है, जैसे मैंने भाई बताया कि जब हम रिवर जो ब्रिज के नीचे से रिवर पार कर रही है, और जब जो जो ब्रिज ये रिवर का सबसे हाई फ्लड लेवल है वहां से लेके और ब्रिज का टॉप लेवल जो है वहां तक की बीच की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, फ्री बोर्ड कहलाएगी। सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है अफ्लक्स का और फ्री बोर्ड का, कि अफ्लक्स क्या होता है और फ्री बोर्ड क्या होता है। क्लियर, सो फ्री बोर्ड एट एनी पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट फ्लड लेवल आफ्टर अलाउिंग फॉर अफ्लक्स इज इफ एनी एंड टॉप लेवल ऑफ द ब्रिज। और आपको ये ध्यान देना है कि फ्री बोर्ड शुड नॉट बी लेस देन 0.6 मीटर, और एग्जाम में आपके क्वेश्चन में 0.6 मीटर की जगह 600 mm भी लिखा आ सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि फ्री बोर्ड कम से कम 600 mm या फिर 0.6 मीटर होना चाहिए, ठीक है। फ्री बोर्ड शुड नॉट बी लेस देन 0.6 मीटर। ओके, फिर बात करते हैं हम बियरिंग्स की। आई होप आपको अफ्लक्स और फ्री बोर्ड समझ में आ चुके होंगे, फ्लक्स क्या होता है और फ्री बोर्ड क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बियरिंग्स की, कि बियरिंग्स थोड़ी देर पहले मैं आपको डायग्राम बता दिया था कि बियरिंग क्या होते हैं। बियरिंग इज ए पार्ट ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर विच बियर डायरेक्टली ऑल द फोर्सेस फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर अबव द ट्रांसमिट द सेम टू द सपोर्टिंग सब स्ट्रक्चर्स। ओके, तो जो हमारा बियरिंग है वो क्या करता है कि ये इंटरमीडिएट हम कंपोनेंट इसको कह सकते हैं, कि जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर होता है और जो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है उसके बीच का कंपोनेंट होता है, जो क्या करता है सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करता है हमारा सब स्ट्रक्चर पे। क्लियर, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा होगा कि जो हमारा डेक स्लैब था, डेक स्लैब के जस्ट नीचे की तरफ और पियर के टॉप लेवल पर हमारा क्या होता, बियरिंग था।
ठीक है. सो बियरिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर विच बियर्स डायरेक्टली ऑल द फोर्सेस फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर अबो एंड ट्रांसमिट द सेम टू द सपोर्टिंग सब स्ट्रक्चर. ओके. और ये बियरिंग किन किन टाइप के होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. अब बात आती है कर्व. कर्व क्या होता है? सो कर्व अ लाइन ऑफ राइज्ड कॉन्क्रीट सेक्शन फॉर्मिंग एन एज बिटवीन कैरिज वे एंड फुटपाथ और रेलिंग. ओके. तो देखिए हमारे पास में ये जो रोड है ये रोड का कैरिज वे है. इतना इतना आपको दिख रहा होगा. ये हमारा क्या है? रोड का कैरिज वे या फिर ब्रिज का हम कह सकते हैं कैरिज वे. ठीक है. और यहां पर आपको देख रहे होंगे ये हमारा फुटपाथ है और फुटपाथ के राइट की तरफ आप देख रहे होंगे ये हमारे हैंड रेल्स है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि हमारा कर्व क्या होता है? सो कर्व क्या होता है? कैरिज वे और फुटपाथ के बीच का जो अरेंजमेंट होता है एक कंटिन्यूस लीनियर डायरेक्शन में रोड के या फिर ब्रिज के चलता है उस समय क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं. क्लियर? सो कर्व अ लाइन ऑफ राइज्ड कॉन्क्रीट सेक्शन. यहां पर देखिए यहां पर एक राइज्ड कॉन्क्रीट सेक्शन है फॉर्मिंग एन एज. ठीक है. फॉर्मिंग एन एज बिटवीन कैरिज वे. ये हमारा कैरिज वे है एंड ये हमारा फुटपाथ है. इनके बीच का जो हमारे पास में कंपोनेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं. ठीक है. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि कर्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी. ठीक है. डेफिनेशन पूछ के ऑप्शन दे दिए गए थे कर्व या फिर ये बियरिंग्स वगैरह. तो आपको ध्यान देना कर्व क्या होता है. नेक्स्ट आता है पैरापेट. जैसा कि आपने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर देखा होगा पैरापेट वॉल क्या होती है. ठीक है. टॉप मोस्ट वॉल ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. टेरेस पे इसी तरीके से पैरापेट वॉल यहां पर भी होती है. तो पैरापेट वॉल होती है एक हैंडरेल होती है. ठीक है. तो पैरापेट वॉल और हैंडल का जो वर्क होता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. तो पैरापेट वॉल क्या होता है? हमारे सबसे एंड जो वॉल होती है सबसे टॉप पे वो हमारी पैरापेट होती है. तो पैरापेट क्या होता है? एक बैरियर होता है इंस्टॉल ऑन द एज ऑफ अ ब्रिज. ठीक है. कहां पर होता है? एज पे. एज ऑफ अ ब्रिज फ्रॉम सेफ्टी कंसिडरेशन एंड इंटेंडेड टू रिस्टेंड यूजर फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द ब्रिज. ठीक है. तो क्या करते हैं जो भी यूजर्स है अगर वो फॉलिंग से बचने के लिए वगैरह तो वहां पर पैरापेट वॉल को बनाया जाता है. फिर हैंड रेल. ठीक है. ये हमारे पास में हैंड रेल है. हैंड रेल्स ऑल्सो कॉल्ड गार्ड रेल इज अ सिस्टम डिजाइन टू कीप पीपल और व्हीकल फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ द ब्रिज. इन जनरल द रेलिंग ऑन द मेड ऑफ कॉन्क्रीट स्टील एंड एल्यूमिनियम. तो आप देख रहे होंगे यहां पर हमारे पास में ये ब्रिज का डेक है और इसके लेफ्ट और राइट में दोनों में क्या लगे हुए हैं? हैंडरेल्स लगे हुए हैं. और ये जो हैंडरेल्स है कॉन्क्रीट के बन सकते हैं, स्टील के बन सकते हैं, एल्यूमिनियम की बना सकते हैं. क्लियर? और आपको थोड़ा यहां पर ध्यान देना है कि जो रेलिंग और पैरापेट शैल हैव अ मिनिमम 1.1 मीटर हाइट अबव द एडजेसेंट रोड और फुटवे सेप्टिक कर्व सरफेस. ओके. तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू आईआरसी ये कहता है कि जो आपका जो हैंडरेल है इसका जो हाइट है यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे इसका जो हाइट है वो 1.1 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए. क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर के अंदर और इसके ऊपर कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम में आने लायक है. क्लियर? आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आ चुकी होगी जो हमने आज पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिज. नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे इसके. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द नेम ऑफ विंग वॉल इफ द एंगल ऑफ स्प्लेस 90 डिग्री. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था कि विंग वॉल क्या होती है, कमेंट करिए बताइए कि विंग वॉल क्या होती है. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास में विंग वॉल मैंने बताया तीन टाइप की होती है. पहले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि व्हाट इज द नेम ऑफ विंग वॉल इफ द एंगल ऑफ स्प्लेस 90 डिग्री. बताइए कमेंट करके कि विंग वॉल अगर हमें 90 डिग्री पे बेंड हो रही तो उसे हम क्या बोलते हैं. 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं इसको. बताइए.
ठीक है, अगर 90 डिग्री पे बेंड होती है उसे क्या बोलते हैं हम? स्प्लेट, रिटर्न, स्ट्रेट या फिर टी अबटमेंट। मैंने आपको तीन रिंग बॉल बताई थी, एक बताई थी स्ट्रेट, एक बताई थी रिटर्न, एक बताई थी स्प्लेट। अगर 90 डिग्री पे बेंड हो रही है हमारी, एंगल 90 डिग्री का बना रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सुपरलाइनर बोल रहे हैं, ए बी एंड ए। तो 90 डिग्री पर जो हमारी बेंड होती है उसे हम क्या बोलेंगे? बी इज करेक्ट आंसर, उसे हम क्या बोलेंगे? रिटर्न। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ विंग वॉल इफ द एंगल इज स्प्लिट 90 डिग्री? उसे क्या बोलेंगे हम? रिटर्न विंग वॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पान ऑफ कलवर्ट? मैंने बताया था आपको कि कलवर्ट का जो मैक्सिमम लेंथ या फिर स्पान कितना होता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। बताइए, सोनानी मीना बोल रहे हैं बी 3 मीटर। मुनेश मीना बी, डी बी। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पान ऑफ कलवर्ट? 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। तो जिसने भी 6 मीटर आंसर दिया है, द ऑप्शन इज डी, वो सही है। और जिसने 3 मीटर आंसर दिया है वो सोनाली मीना। एक बार आप चेक कर लें तो जो हमारी कलवर्ट का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो होता है 6 मीटर, और 6 मीटर से ऊपर जितने भी हमारे स्पान होते हैं वो हमारे ब्रिज कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द राइज इन लेवल ऑफ द रिवर वाटर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज? ऑप्शन नंबर ए HFL मतलब हाई फ्लड लेवल, रन ऑफ, अफ्लक्स एंड फ्रीबोर्ड। बताइए, व्हाट इज द राइज इन लेवल ऑफ रिवर वाटर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, उसे हम क्या बोलते हैं? मैंने बोला था आपको अफ्लक्स पे और फ्रीबोर्ड पे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाई फ्लड लेवल, रन ऑफ, अफ्लक्स और फ्रीबोर्ड, बताइए। सुपर लर्नर कह रहे हैं सी, बाबूलाल राउंडर सी, डी सी सी सी। चलिए, जिसने ऑप्शन सी करेक्ट दिया है ऑप्शन, वो एकदम सही है, करेक्ट ऑप्शन है उनका अफ्लक्स। अफ्लक्स क्या होता है? दिस इज द राइज इन लेवल ऑफ द रिवर वाटर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, ओके, इसे हम अफ्लक्स बोलते हैं। एंड फ्रीबोर्ड क्या होता है? तो फ्रीबोर्ड मैंने बताया था, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वाटर तो हमारा बनता है अफ्लक्स। तो जो हमारा अफ्लक्स के सबसे टॉप लेवल का जो वाटर लेवल है रिवर का, वहां से जो हमारा ब्रिज का डेक्स लेवल है वहां तक का जो लेवल होता है उसे हम बोलते हैं फ्रीबोर्ड। क्लियर? तो जिसने फ्रीबोर्ड आंसर दिया वो गलत है, इसमें ध्यान रखना, अफ्लक्स इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ अ ब्रिज? ब्रिज का इंटरमीडिएट सपोर्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फाउंडेशन, बी पियर, सी अबटमेंट एंड डी इज विंग वॉल। तो जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है वो क्या होता है? हमारा पियर होता है, और जो हमारा एंड सपोर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम? अबटमेंट बोलते हैं। क्लियर? सो अबटमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, सॉरी पियर, पियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अबटमेंट जो हमारा होता है एंड सपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द शेप ऑफ द विंग वॉल इफ इट इज इन इंक्लाइंड इन प्लान? ऐसी कौन सी विंग वॉल होती है जिसका प्लान इंक्लाइंड होता है? बताइए, इस ऑप्शन नंबर 1 इज स्ट्रेट, बी इज रिटर्न वॉल एंड सी इज स्क्वायर एंड डी इज स्प्लिट। व्हाट इज द शेप ऑफ द विंग वॉल इफ इट इज इंक्लाइंड इन प्लान? ये क्वेश्चन आ सकता है,
अगर विंग वॉल का प्लान इंक्लाइंड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बताइए। जो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन बता रहे हैं स्प्लेट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्प्लेट बोलेंगे। क्लियर। अगर हमारे विंग वॉल का शेप इंक्लाइंड है तो उसे हम स्प्लेट बोलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशंस वगैरह ब्रिज के। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।